गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगेन यहाँ पे मैंने पहले से लिख दिया ताकि अपना टाइम सेव हो जाए, ठीक है। तो लास्ट क्लास हमने क्या किया था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किया था और हमने बताया था कि जब हम तीसरे लेयर को अरेंज करते हैं माइनस सेकंड लेयर पे दो टेट्राहेड्रल वर्ड बनते हैं, ठीक है, और एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनता है। तो एक टेट्राहेड्रल वर्ड तो ऑलरेडी घिरा हुआ रहता है, मतलब एक ऊपर और तीन नीचे, तो उसमें तो हम एक उसके ऊपर तो हम वर्ड को सॉरी स्फीयर को प्लेस नहीं कर सकते। और जो दूसरा वाला टेट्राहेड्रल वर्ड था वर्ड होता तीन ऊपर और एक नीचे, तो उसमें देखो एक जगह खाली रहता तो उसके ऊपर हम एक रख सकते हैं। दो टाइप के टेट्राहेड्रल वर्ड फॉर्म होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड एज यूजुअल ऑक्टाहेड्रल तीन ऊपर तीन नीचे, तो वहां पर ऑलरेडी स्पेस रहता है ताकि हम रख सके थर्ड लेयर के स्फीयर को। तो हमने ये बताया था कि आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप टेट्राहेड्रल वर्ड को फिल करो या तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड को फिल करो। तो पहला ऑप्शन हमने पढ़ा था, जब हम टेट्राहेड्रल वर्ड को मतलब भरते हैं तो एक ज्योमेट्रिक जनरेट होती है ए बी टाइप ऑफ पैकेजिंग जो जनरेट करता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को जनरेट करता है, ठीक है। वहां पे हमने ये देखा था कि ये टोटल 17 आइटम से बनता है और जिसका जेड इफेक्टिव टोटल 6 होता है, क्योंकि कॉर्नर वाले आइटम का जो होता है वो टोटल 12 कॉर्नर के आइटम होते हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/6 होता है, तीन विद इन यूनिट सेल होता है और दो फेस सेंटर्ड होता है, इस तरीके से इनका जेड इफेक्टिव 6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि इनके पैकिंग एफिशिएंसी ऑलरेडी 74% होता है, वॉइड वाइड स्पेस जो होता है वो 26% होता है, ठीक है। नाउ अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, ठीक है, और इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें हेक्सागोनल पैकेजिंग में देखी थी, ठीक है। नाउ इट्स कम्स टू ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ऑप्शन सेकंड में क्या है, इफ थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ऑन ऑक्टाहेड्रल वॉइड देन इट इज फाउंड दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लेयर, सो नेम्ड एज से लेयर, एंड ऑन रिपीटेशन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द फोर्थ लेयर इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट, ठीक है। मतलब फोर्थ लेयर आइडेंटिकल टू फर्स्ट होगा और ऐसा ही इसके बाद में रिपीट होगा, ऐसा ही उसके बाद में भी होगा। तो फर्स्ट वाला फोर्थ के जैसा होगा, सेकंड वाला फिफ्थ के जैसा होगा, थर्ड वाला सिक्स्थ के जैसा होगा, और जब सो ऑन में रिपीटेशन करते गया तो मुझे एबीसी टाइप ऑफ पैकेजिंग मिला और इसी को हम सीसीपी बोलते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू एफसीसी। अब अगर आपको यहाँ पे पॉइंट नहीं समझ मारा कि ये सर आप कैसे समझ रहे हो कि ये एफसीसी जनरेट कर रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है, इसके नीचे हो जाएगा 8, इसके नीचे हो जाएगा 9, एंड अगेन इट इज है 10, नाउ 3 के नीचे 11 हो जाएगा, 3 के नीचे 11 हो जाएगा, 9 के नीचे हो जाएगा 12 मेरा होगा 4 के नीचे, ये है 3 के नीचे, ये होता है मेरा 12 यहाँ पर होगा, अगेन 13 मेरा यहाँ पे एंड 14 इसके नीचे, ओके। अब ये ज्योमेट्री बनती कैसे, देखो 1 से 2, 2 से 8, ठीक है, नाउ 2 से 10, ठीक है, नाउ 8 to 13 से 14, ठीक है, और 5 को कनेक्ट किया मैंने यहाँ, 8 को कनेक्ट किया मैंने यहाँ, ओके, नाउ 13 को कनेक्ट किया मैंने 7 से और इसको कनेक्ट किया मैंने 6 से। तो आप देख रहे हो
इसका फेस इसका सेंटर, इसका फेस इसका सेंटर, इसका फेस इसका सेंटर, इसका फेस इसका सेंटर, नाइन ऊपर वाले का होगा, सिक्स नीचे वाले का। तो इस तरीके से ये जो देखो मैं इसी को आइटम को भी इस तरीके से वन वन के नीचे टू थ्री फोर उसके नीचे फाइव सिक्स सेवन उसी के नीचे, ठीक है उसी तरह। तो इस तरीके से जब इनको देखेंगे तो ये किस तरीके का जनरेट कर रहा है ज्योमेट्री, सीसी पे जनरेट कर रहा है। अगर मैं से कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, एक तो होगा चार प्लस चार प्लस चार, तो टोटल ट्वेल्व। जो मैंने आपको बताया था एक एक कॉर्नर से तीन फेस निकलते हैं, ठीक है एक कॉर्नर से कितने फेस निकलते हैं, एक मान लो फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो पहला फेस ये वाला निकलेगा, दूसरा फेस ये वाला निकलेगा, तीसरा फेस ऊपर वाला निकल रहा है, और हर हर फेस एक एक हर फेस सेंटर पे वो चार एटम को टच करता है। इसका मतलब चार प्लस चार प्लस चार, इसका मतलब कितना होगा बारह, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका होता है सिक्स अपने लेयर में तीन ऊपर और तीन नीचे, तब भी कितने को टच करेगा बारह लेयर को टच करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं सिक्स की आप इसमें भी हालांकि इसमें समझाना थोड़ा मुश्किल है बट थोड़ा याद रखना, छह अपने लेयर पे टच करता है, तीन ऊपर टच करता है, तीन नीचे करता है, तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे बारह होंगे। इसका जेड इफेक्टिव टोटल कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, क्योंकि आठ का कॉर्नर क्या हो जाएंगे छह फेस सेंटर के हो जाएंगे, हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तीसरा इसका वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम हो जाएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ एटम हो जाएगा इसका 16 by 3 pi r cube। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक आपको चीजें समझ में, हमने पहले भी किया हुआ, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, और मुझे पता है a का वैल्यू 2√2r होता है, 2√2r का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है ये मेरा वॉल्यूम ऑफ एटम हो जाएगा, और पांच ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा फोर, और फिफ्थ है पैकिंग एफिशिएंसी एटा। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है 16 by 3 pi r cube divided by 2√2r cube, ठीक है into 100, तो that's nothing but 74%, कितना आएगा 74%, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल एक 3D पैकेजिंग, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि भैया जो void form होते हैं इनमें, ठीक है इनमें भी void form होते हैं, ठीक है एक होता है, मैंने आपको बोला था दो ही void आपके लिए सबसे ज्यादा important है, tetrahedral void और octahedral void, ठीक है। आखिर वो किस, हालांकि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हमें यही सीखना कि आखिर टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे बनते हैं और कहां बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉइड्स। ठीक है नाउ लोकेशन एंड नंबर ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक का लोकेशन एंड नंबर ऑफ टीवी मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ओवी इन सीसीपी, ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में, ठीक है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो हमेशा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा अलोंग द बॉडी डायगोनल बनते हैं, एक बॉल डायगोनल में दो टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं, ठीक है। अगर आपको एक पॉइंट नहीं भी समझ में आ रहा तो कि सर आप कैसे बोल रहे हो कि ये पैकेजिंग कैसे फॉर्म होता है, तो डोंट वरी, जब हम ऑफलाइन क्लासेस में जाएंगे और सून ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगी माइट प्रोबेबली अक्टूबर या नवंबर में, तब मैं आपको इनको प्रोजेक्टर में भी बताऊंगा कि आखिर ये कैसा होता है। बट फिलहाल के लिए इनके लोकेशंस याद रखिए, प्लीज बिलीव मी, जो बोल रहा हूँ जो याद रखने की चीजें वो याद रखें, हालांकि इमेजिन नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आपको पोजीशन याद है तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट इज नथिंग बट इज अ सम ऑफ रिजल्ट। अगर आपको रिजल्ट याद है तो मैक्सिमम 99% क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ फॉर्म होता है, इन सीसीपी टीवी आर फॉर्म्ड अलोंग बॉडी डायगोनल
ऑन टीवी ऑन ईच बॉडी डायगोनल, ऑन ईच बॉडी डायगोनल, ठीक है, ऑन ईच बॉडी डायगोनल। इसका मतलब क्या है, सीसीपी में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, देखो नंबर ऑफ एटम होते हैं मेरे पास 8 कॉर्नर पे जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, प्लस 6 फेस सेंटर में होते हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, टोटल 4 होते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल होते हैं आपके पास 4, और हर बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वर्ड बनते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ टीवी कितना हो गया, नंबर ऑफ टीवी हो जाएगा आपका 2 × 4 मतलब 8, मतलब हमेशा याद रखना नंबर ऑफ एटम जितने रहते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, इवन द एससीपी बोले सीसीपी बोले कोई भी स्ट्रक्चर ले ले, याद रखना अगर किस टेट्राहेड्रल वर्ड फॉर्म होता है तो टोटल नंबर ऑफ एटम जितने होते हैं यूनिट सेल के पास उससे दुगने टेट्राहेड्रल वर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर माय स्टेटमेंट, इसका मतलब सो देयर आर 2 टीवी फॉर ईच एटम, कैसे होता समझ बात को। अगर मैं आपको इसको एक कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की, ठीक है, मैंने क्या बोला ये क्यूब है, ठीक है। एटम आपको कहां कहां मिलेंगे, एटम आपको मिलेंगे भैया यहां कॉर्नर पे और ठीक है फेस सेंटर पे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला टेट्राहेड्रल वर्ड अलोंग द बॉडी डायगोनल बनते, देखो अलोंग द बॉडी डायगोनल ये उधर से उधर टच कर रहा है, ठीक है, आई होप सो इमेजिन कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक बॉडी डायगोनल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जो मान लो जैसे ये ए बी लेंथ है, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड कुछ इस जगह पे फॉर्म होता है, किस जगह पे, इस जगह पे, मतलब अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये ए बी का टोटल लेंथ का 1/4 डिस्टेंस पे होता है, मतलब कहने का मतलब है कि एक टेट्राहेड्रल वर्ड कॉर्नर से यहां पे जो डिस्टेंस होता है इस टोटल लेंथ का 1/4 होता है। आपको पता है बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है √3, इसका मतलब कॉर्नर से उस टेट्राहेड्रल वर्ड का डिस्टेंस कितना होगा, उस डिस्टेंस होगा √3/4, याद रखना कॉर्नर से इस जगह पे डिस्टेंस जो होता है वो रूट ए, इस टोटल ए बी का लेंथ का 1/4 होता है, मतलब कॉर्नर से एक टेट्राहेड्रल वर्ड का डिस्टेंस होता है कितना √3/4, यहां से भी √3/4, इसका मतलब अलोंग द बॉडी डायगोनल, अलोंग द बॉडी डायगोनल अगर जो डिस्टेंस होगा दो टेट्राहेड्रल वर्ड के बीच में, अगर यहां से √3/4 यहां से √3/4, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा √3/2, तो याद रखना ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर अलोंग द बॉडी डायगोनल दो टेट्राहेड्रल वर्ड कितने डिस्टेंस पर फॉर्म होता है, सिंपल सी बात है √3/2 डिस्टेंस पर रहेंगे। हां ये अगर मैंने बोला भैया मान लो सपोज करो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ये एक ऐसे बना, ठीक है, यहाँ पे भी तो एक टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा ना, तो इस टेट्राहेड्रल वर्ड का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप समझो अलोंग जैसे अब ऐसे एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, तो ठीक है, तो यहां से जो डिस्टेंस होता है ना, यहां से इधर का डिस्टेंस और यहां से इधर का डिस्टेंस, ठीक है, वो कितना होगा a/2, यहां से कितना a/2, यहां से भी कितना a/4, यहां से भी कितना a/4, ठीक है, मतलब लेफ्ट से डिस्टेंस, देखो यहां से जो डिस्टेंस बताया तो वो मैंने बताया था कितना, वहां से कॉर्नर का डिस्टेंस होता है 1/4, तो यहां से भी वो लेफ्ट से भी जो डिस्टेंस है वो 1/4, मतलब दो कंसेक्यूटिव जो मतलब अगर ऐसे भी बनता है, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस ये a/2 के फॉर्मेट में होगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला डिस्टेंस भी 1/4 ही रहेगा, मतलब इस कॉर्नर से अगर मैं बात करूं किस तरीके से सॉरी मतलब अगर यहां पे टेट्राहेड्रल वर्ड है, यहां पे टेट्राहेड्रल वर्ड है, ठीक है, यहां तो ये डिस्टेंस जो होगा ना टेट्राहेड्रल वर्ड का वो हो जो दो वो होता है a/2, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो दो टेट्राहेड्रल वर्ड बनता है वो √3/2 में बनता है। आई बात समझ में सबको यहां तक, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है अगर यहां से यहां का जो डिस्टेंस होता है वो होता है a/4 और यहां से इस फेस पर जो डिस्टेंस होता है वो होता है a/4, इसके अलावा लेफ्ट और दो कंसेक्यूटिव का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है a/2, तो ठीक है, चीजें याद रखिए उसमें ज्यादा बेटर है ताकि आपको परेशानी ना हो,
इसका मतलब टेट्राहेड्रल वर्ड कहां फॉर्म होता है, कॉर्नर से रूट 3/4 डिस्टेंस पे फॉर्म होता है हाइपरसोन। तो दिस इज ऑल अबाउट टेट्राहेड्रल वर्ड। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड की। किसकी बात करेंगे हम? ऑक्टाहेड्रल वर्ड की, ठीक है। इन सीसीपी अरेंजमेंट, पहले मैं लिख देता हूं, इन सीसीपी अरेंजमेंट, मैं फिर से बोल रहा हूं इनकी पोजीशन याद रखिएगा, रट रट लेना है। टेट्राहेड्रल वर्ड हमेशा अलोंग द बॉडी डायगोनल बनते हैं, मतलब एक बॉडी डायगोनल में दो टेट्राहेड्रल वर्ड बनते हैं, ऐसे चार बॉडी डायगोनल है, इसका मतलब टोटल 8 टेट्राहेड्रल वर्ड बनेंगे, ठीक है। इन सीसीपी अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल वर्ड आर फॉर्मड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड आर फॉर्मड एट बॉडी सेंटर, एट बॉडी सेंटर एज वेल एज एट बॉडी सेंटर एज वेल एज एट ईच एज सेंटर, एट ईच एज सेंटर। आई बात समझ में? कहने का मतलब है, मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूं कि ये कहां का बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं बेटा, ये जब आप ऑफलाइन में जाओगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हालांकि मेरे पास कोई प्रोजेक्टर नहीं है यहाँ पे, तो जब हम हमारे स्कूल खुलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। हमेशा ये एज सेंटर में बनते हैं, कहां बनते हैं? एज सेंटर में कहां बनेंगे? एज सेंटर। और एक एक बनता है आपका बॉडी सेंटर में। आई बस समझ में? एक कहां बनता है? बॉडी सेंटर। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना होगा? 12 तो एज सेंटर पे है, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/4 है, और एक बॉडी सेंटर में जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन इंटू 1 है, तो टोटल 4। इसका मतलब आपको मैंने पहले भी ये सिखाया था कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड का रेशियो में से कितना होता है? 2:1 का रेशियो होता है। आई बात समझ में? तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, ठीक है। चलो इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रेडियस रेशियो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यार सर कितना बार रेडियस रेशियो पढ़ा होगा, ठीक है। वहां पे हमने जो रेडियस रेशियो लिया था वो आर बाय आर लिया था। आर मेरा वो रेडियस, वो स्फीयर था जो वॉइड के, वॉइड में हम फिट कर रहे थे, और कैपिटल आर मेरा क्या था? स्फीयर का था। अब क्योंकि इसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि हमें पढ़ना है आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर में आपको दो ही रेडियस मिलेंगे, एक कैटायन का रेडियस मिलेगा, एक एनायन का रेडियस मिलेगा। तो जनरली क्या होता है, कैटायन छोटे साइज का होता है, एनायन क्या होता है? बड़े साइज का होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर किसका अरेंजमेंट होता है? क्यूबिक, मतलब सीसीपी टाइप का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास कौन सा है, आपको मैंने बताया था ना, ZnS, Na2O, NaCl, CaF2। देखो आयनिक कंपाउंड में मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे, यही पांच स्ट्रक्चर आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ने भी है, ठीक है, और आपको ये स्किप नहीं करने के। बस वही चीज है कि ये इनका आपको बस ये पहचानना पड़ेगा हर स्ट्रक्चर में कि कैटायन कहाँ पे जाता है, एनायन कहाँ पे जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इससे पहले हमने जो रेडियस रेशियो पढ़ा था उनमें सेम, उसमें क्या थे? सेम टाइप के एटम थे, ठीक है। लेकिन आयनिक कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में जो भी कंपाउंड रहता है उसमें एलिमेंट अलग अलग टाइप के रहते हैं, तो अभी सब बात उनका रेडियस भी क्या होगा? अलग अलग टाइप का होगा। तो इसमें क्या होता है, जनरली हमने ये देखा कि कैटायन छोटे साइज का होता है, एनायन बड़े साइज का होता है। तो अगर मैं सीसी पर अरेंजमेंट की बात करूं तो एनायन कहां जाएगा? कॉर्नर पे जाएगा, प्लस फेस सेंटर में जाएगा। अब जो वॉइड्स बनते हैं, अब ऑब्वियस बात है, जब मैंने क्या बोला सीसीपी अरेंजमेंट में आपके दो ही वॉइड बनेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। इन वॉइड्स में कहां, इन वॉइड्स में कौन जाता है? कैटायन चला जाता है, और इस तरीके से आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें रेडियस रेशियो में पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूं रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन टू रेडियस ऑफ एनायन टू रेडियस ऑफ एनायन इज नोन एज रेडियस रेशियो, इज नोन एज रेडियस रेशियो, इज नोन एज रेडियस रेशियो। इट हेल्प्स us in determination, it helps us in determination, it helps us in determination of structure of ionic compound, of structure of ionic compound, of structure of ionic compound, of structure of ionic compound
एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मैक्सिमम रटने वाला ही है, समझने वाले बहुत कम होते हैं, ठीक है। समझने वाला पार्ट जो था उन्होंने आपको पहले बता दिया है, हालांकि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत समझने वाला ही है, अगर आप समझ सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो चीजें रट जाओ, ठीक है। अगर हम बात करो रेडियस रेशियो की, टाइप ऑफ वॉइड की, ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर की, और उसके बाद रिलेटेड स्ट्रक्चर, रिलेटेड स्ट्रक्चर। तो मैंने हमने हमने कितने टाइप के वर्ड पढ़े, पांच टाइप के वर्ड। पहला होता है ट्रायंगुलर, दूसरा होता है क्या स्क्वायर, तीसरा क्या होता है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक। यही तो यही चीज हमें याद भी करनी, ठीक है। क्या होता है अगर मान लो रेडियस रेशियो लेस देन 0.155 रहा, रेडियस रेशियो क्या रहा मेरा लेस देन 0.155, तो इसका मतलब ट्राइंगुलर तो नहीं होगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर वर्ड। हालांकि जब ट्राइंगुलर ही नहीं होता तो लीनियर भी कोई वर्ड नहीं होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी नहीं है और इसका कोई रिलेटिव स्ट्रक्चर भी नहीं है। हाँ, अगर मान लो 0.155 से रेडियस रेशियो बड़ा हो और 0.225 तक है, मतलब ऐसा कुछ मैंने साइन दे दिया, ठीक है, 0.155 से तो बड़ा है और 0.225 से छोटा है, तो उस केस में ये वॉइड कौन सा बनता है, ट्राइंगुलर वॉइड बनता है। कौन सा वॉइड होता है, ट्राइंगुलर वॉइड, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 3 और इसका रिलेटिव स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब ऐसे समझो बात को, उधर हमने जो किया था कि भैया ट्राइंगुलर वर्ड कब बनता था, जब रेडियस रेशियो आर बाय आर का रेशियो 0.225 होता था, ठीक है। उसके वो जो सिचुएशन था ना बेटा, वो सिर्फ आइडियली डील कर सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी चीज आइडियल नहीं होता है, ठीक है। जरूरी नहीं आप कोई भी दो एलिमेंट आप बनाते हो तो उसका रेडियस रेशियो, आप ऐसा खुद से इमेजिन कर लो ना कि अगर आप दो एलिमेंट मिला के कोई कंपाउंड बना रहे हो, ठीक है, आप उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हो, बट ऐसा जरूरी तो नहीं कि उनके रेडियस का रेशियो जब लोगे, उनके कैटायन और एनायन का रेडियस रेशियो लोगे, तो जरूरी थोड़ी ना 0.225 एग्जैक्टली आएगा, हो सकता है 0.225 से कम आ जाए, हो सकता है 0.225 से ज्यादा आ जाए। तो उस सिचुएशन में हम कैसे डील करेंगे, भैया कौन सा टाइप का वर्ड और क्या स्ट्रक्चर होगा, इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। अब जैसे सपोज करो मेरा 0.225 से कम है वैल्यू, लेकिन 0.2 आया, तो उस केस में आप क्या कंसिडर करोगे इसको, तब उस केस में हम कंसिडर करेंगे इसको ट्राइंगुलर ही कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, ट्राइंगुलर ही करेंगे, क्योंकि ये 0.225 आए, अगर एग्जैक्टली 0.225 आ जाएगा तो ये टेट्राहेड्रल के इसमें चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, 0.155, सॉरी ट्राइंगुलर में आता था मेरा, एक मिनट शायद मैं भूल रहा हूं यहां पे मुझे पता है, हां 0.155 होता था ट्राइंगुलर के लिए, तो 0.155 सॉरी माय मिस्टेक 0.155 जो होता था ट्राइंगुलर के लिए, वो किस सिचुएशन में होता था, वो उस सिचुएशन में होता था जब वो मेरा कंडीशन आइडियल होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई भी चीज आइडियली नहीं होती है। तो अगर मान लो 0.2 आया, तो 0.2 आया तो हम इसको टेट्राहेड्रल नहीं कर सकते, टेट्राहेड्रल कब होता था, जब रेडियस रेशियो कम से कम 0.225 होना चाहिए, तब उस टाइप के हम कैटेगरी को, हम उस टाइप के वर्ड को हम टेट्राहेड्रल में रख सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का है, इसलिए हम तभी इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर वॉइड। अब 0.15 से तो ये ऑब्वियस से बात है अनस्टेबल होगा, ये स्ट्रक्चर भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है, ट्रायंगुलर वॉइड। अगर मेरा सिचुएशन 0.225 से ज्यादा हो रेडियस रेशियो, लेकिन किससे कम हो, ये कम हो 0.414 से, तब ये वॉइड कौन सा होता है, तब ये वॉइड होता है मेरा टेट्राहेड्रल, कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है। तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 और 3 नीचे 1 ऊपर, या 3 ऊपर 1 नीचे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर, तो ZnsCaF2 और Na2O, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही आपके लिए टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अगर मान लो 0.414 से अगर रेडियस रेशियो किस पे हो, 0.732 से, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको सिचुएशन को बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल टाइप का वॉइड फॉर्म करेगा ये, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर
ये होता है NaCl, ठीक है, NaCl याद है ना, छह कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, उसमें हमेशा ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होता है, ठीक है। चलो अगर मैं इसकी बात करूं जीरो, अगर सिचुएशन 0.732 से अगर रेडियस रेशियो 1 से छोटा हो तब ये सिचुएशन किसका रहेगा, क्यूबिक का रहेगा, और ये 8 होता है और इसका एक ही स्ट्रक्चर होता है CuCs, अच्छा सॉरी ये होता है CsCl होता है, क्या होता है CsCl, ठीक है। अगर मान लो रेडियस रेशियो 1 से ज्यादा हो जाएगा उस सिचुएशन में क्या करोगे, 1 से ज्यादा होगा सिंपल सर रिवर्स कर दो, मतलब अब आपका कैटायन, कैटायन की जगह एनायन आ जाएगा, एनायन की जगह कैटायन, क्योंकि अभी हमने इसका कैटायन और एनायन का रेशियो पढ़ा, 1 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब ये होगा कि मेरा कैटायन बड़ा हो गया एनायन छोटा हो गया, तो बड़े वाले को नीचे रखो और छोटे वाले को ऊपर दो, अच्छे लेवल में प्रॉब्लम है, ऐसा भी कंफ्यूजन करने के लिए दे सकता है, बट नंबरिंग जो वॉइड है उनकी जो कंडीशन है वो रेशियो यही रहेगी, चाहे कैटायन और एनायन का रेशियो लो या एनायन टू कैटायन का रेशियो लो, तो हमेशा सिचुएशन यही रहती है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन देता आपको समझाने के लिए और फिर हम इनके पॉसिबिलिटी पे भी जाएंगे, अगर आखिर ऐसा रेशियो आया तो क्या होगा और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो ये मैं डिटेल में भी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। रेडियस ऑफ टू आयंस, रेडियस ऑफ टू आयंस ए प्लस एंड बी माइनस, ए प्लस एंड बी माइनस इज 88 and 200 picometer, 88 and 200 picometer, 200 picometer respectively, ठीक है, determine type of structure formed by A plus and B minus, A plus and B minus as well as coordination number of A plus ion, ठीक है, A plus ion का coordination number, क्या बताओ coordination number आपको A plus ion का, पहले तो आप एक काम करो radius ratio निकाल लो, तो R A plus और R B minus क्या होगा 800 by 88 by 200, तो दैट समथिंग, बट ये आ जाएगा 0.44। अब 0.44 तो मेरा सिचुएशन किसके लिए, इस इसमें स्पिट बैठेगा, ठीक है, 0.44 मतलब ये इससे बड़ा होगा, तो ये सिचुएशन इस वाले के लिए बैठेगा, इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होगा, ए प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, क्योंकि वॉइड में तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होता ए प्लस उसी में जाएगा और कितने बी माइनस को टच करेगा, 6 बी माइनस को टच करेगा, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, और स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा NaCl टाइप का स्ट्रक्चर होगा, किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा NaCl टाइप का, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं पूछूं कि कोई भी आयनिक कंपाउंड स्टेबल कब होगा, ठीक है, अगर मैं तीन सिचुएशन देता हूं, क्योंकि इन केस में तो क्या हो सकता है, रिपल्शन होगा, ठीक है। देखो ए और ए का टच होने का पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, आप बोलोगे सर कैसे, वो मैं आपको पेपर बता दूं, लेकिन एक कैटायन दूसरे कैटायन को टच कभी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि कैटायन जनरली छोटा होता है और कैटायन हमेशा वॉइड में जाता है, तो दो वॉइड कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बट दो एटम एक दूसरे को टच कर सकते हैं, कॉर्नर पे में या एटम एक दूसरे को बिल्कुल टच करेंगे, कर सकते हैं ना, तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो कब होगा उसमें भी ये तो कभी नहीं होगा, नेवर एवर कभी ये टच एक दूसरे को नहीं करेंगे, ये टच कर सकते हैं बट आइडियली सिचुएशन में, जैसे सपोज करो मैंने ये सिचुएशन दिया, ठीक है, ये सिचुएशन, ठीक है, और एग्जैक्टली इनके सेंटर में छोटा वाला है, तो मतलब अगर R प्लस बाय R माइनस का रेशियो 0.155 है, तो इसका मतलब एनायन एनायन का भी टच हो रहा है, आई बात समझ में, तो इस केस में आप बोल सकते हो, हाँ अगर मान लो इससे ज्यादा हो गया, इफ अगर मान लो R प्लस को मैंने बढ़ा दिया और R माइनस को घटा दिया,
अब रेडियस रेशियो जो आर प्लस बाय आर माइनस ग्रेटर देन 0.155 है, इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन अब ऐसा होगा कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कैटायन और एनायन का कांटेक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ कैटायन और एनायन का कांटेक्ट, बट एनायन एनायन का कांटेक्ट नहीं होगा इस सिचुएशन में। सिर्फ इस सिचुएशन में भले स्ट्रक्चर में डिफॉर्म्ड है, नो इशू, लेकिन ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर। क्यों? इसमें रिपल्शन फोर्स है, इस वजह से रिपल्शन फोर्स की वजह से कभी भी आयनिक कंपाउंड स्टेबल नहीं हो सकता है, ठीक है। और बस हमें यही पॉसिबिलिटी समझनी है, अगर मेरा आइडियली सिचुएशन है तो इसका मतलब 100% अनस्टेबल होगा आइडियल सिचुएशन। क्योंकि देखो एनायन एनायन एक दूसरे को कब टच कर सकते हैं, जब रेशियो मेरा आइडियल हो, और उस केस में स्ट्रक्चर कभी भी मेरा स्टेबल नहीं हो सकता। अगर थोड़े से ज्यादा होगा इसका मतलब ये थोड़ा दूर दूर हटेंगे तो सिर्फ कैटायन एनायन का कॉन्टेक्ट रहेगा, इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कॉम्पैक्ट रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। आई बात समझ में? चलो तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक मिनट, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ रेडियस रेशियो, देखो इसमें कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसको बहुत डिटेल में समझना, ठीक है। हमारे लिए स्टेबल हमेशा कौन सा था? हमारे लिए स्टेबल वो ही रेडियस रेशियो स्टेबल होगा जिसमें आइडियल सिचुएशन नहीं हो, ठीक है। आइडियल सिचुएशन में क्या होता है, ओवरऑल सिंपल से बात है, कैटायन कैटायन का कॉन्टेक्ट रहेगा तो भी अनस्टेबल है, हालांकि वो तो कभी पॉसिबल नहीं, तो उसका जाने दो। आपको दो सिचुएशन देखने हैं, अगर कैटायन एनायन का कांटेक्ट है किसी स्ट्रक्चर में और एनायन एनायन का भी कांटेक्ट है तो भी वो अनस्टेबल है, सिर्फ एनायन एनायन का भी कांटेक्ट है तो भी अनस्टेबल, सिर्फ आपका स्टेबल आयनिक कंपाउंड तभी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होना चाहिए, कैटायन और एनायन का कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहले सिचुएशन, अगर मैं बोलूं आर प्लस बाय आर माइनस लेस देन 0.155 है, इस केस में क्या होगा समझो, इस केस में तीन है ऐसे और एक छोटा सा बिंदु है, ठीक है। मतलब क्योंकि भैया वॉइड का जो है, वॉइड का जो स्फीयर है, मतलब आर प्लस इतना छोटा है कि 0.155 के बराबर नहीं है, इसका मतलब तीनों को टच नहीं कर सकता। इस केस में कौन से कांटेक्ट हो रहे, सिर्फ एनायन एनायन कांटेक्ट हो रहा है और कैटायन में कोई कांटेक्ट नहीं, इसके लिए ये हाईली अनस्टेबल होगा। क्या होगा? हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ एनायन एनायन कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, नो कैटायन एनायन कॉन्टेक्ट इज देयर, no cation and anion contact is there, no cation and anion contact is there, only anion, only anion anion contact, only anion anion contact, that's why it is highly unstable, that's why it is highly unstable, ठीक है, इसलिए highly unstable structure, ठीक है। Second possibility, अगर r plus by r minus is equal to हो गया 0.155, तो इस situation क्या है भैया, ideal ratio for triangular, ये ratio कौन सा है, ideal ratio for triangular point, है ना, ये क्या है, ideal है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो simple से भाषा में, अगर ideal situation है, आइडल सिचुएशन है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो होगा वो प्लस, ये माइनस, मतलब यहां पे कैटायन एनायन का भी कांटेक्ट है और एनायन एनायन का भी कांटेक्ट है, ठीक है। अब यहां पे कैटायन एनायन का कांटेक्ट, इसका ये मतलब नहीं है कि ये अनस्टेबल है, ये अभी भी अनस्टेबल है क्योंकि यहां पे एनायन एनायन का कांटेक्ट, हां भले हो सकता है ये हाई अनस्टेबल था, ये सिर्फ अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो मैं बोल देता हूं दिस सिस्टम इज स्टिल अनस्टेबल, दिस सिस्टम इज स्टिल अनस्टेबल, हाईली नहीं होगा बस अनस्टेबल होगा बिकॉज ऑफ एनायन एनायन कॉन्टैक्ट,
NaNMH कांटेक्ट की वजह से क्या होगा, हाईली नहीं होगा, सॉरी अनस्टेबल होगा, ठीक है। अगर मैं तीसरे कंडीशन की बात करूं, तीसरा कंडीशन मेरा कुछ इस तरीके से हो गया कि अगर मेरा 0.155 से तो रेडियस रेशियो क्या हुआ, बड़ा हुआ, लेकिन 0.225 से मेरा क्या हुआ, छोटा हुआ, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, एनआईएन का कॉन्टेक्ट बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगा कि कैटायन इधर होगा, एनआईएन इधर होगा, एक एनआईएन इधर होगा और एक एनआईएन इधर होगा, ठीक है। इसका मतलब एनआईएन एनआईएन कॉन्टेक्ट टोटली लॉस्ट, टोटली। देखो ये कुछ एक तरीके से ट्राइंगुलर बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक तरह से सिचुएशन आप ऐसा समझो, सब जो सपोज करो आपने एनआईएन का एक बलून भरा है, बहुत सारे बलून है एनआईएन के, एक आपके ये सारी सिचुएशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक आपने कमरा लिया, उसमें बलून है जिसमें टोटल नेगेटिव, सब में नेगेटिव चार्ज, मतलब वो बलून एनआईएन वाले बलून है पूरे रूम में। एक पतला सा बलून आपने रखा यहाँ पे छोड़ दिया और उसको बाहर एक पतली सी पाइप से बाहर लेके गए, ठीक है। कमरा बंद है मेरा, अगर अब अभी तो उसमें क्या है, उस कैटायन वाले बलून में कोई हवा नहीं, समझ ना बात को, एनआईएन वाला बलून पूरे रूम में फैला हुआ, पर अभी आपने बलून छोड़ दिया, उसको पतले से पाइप से कनेक्ट करके बाहर लेके गए, ठीक है। उस कैटायन वाले बलून में भी कोई हवा नहीं, तो इसका मतलब वो सिर्फ एक बलून के ऊपर पड़ा रहेगा, इसका मतलब रेडियस रेशियो जो होगा लेस देन 0.155, हाईली अनस्टेबल होगा उस केस में, मतलब वो तीन बलून को नहीं टच कर पा रहा है। थोड़ा सा हवा भरा आपने, हवा भरते गए, अब वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा फूलते जाएगा, सबसे पहले वो क्या होगा, तीन बलून को टच करेगा, तीन बलून को टच करेगा, इसका मतलब रेडियस रेशियो कितना है, 0.155 है। अब थोड़ा सा और बड़ा बलून, हवा भर रहा, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ये वाला बलून, क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ये तीन बलून क्या जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, ठीक है। इस केस में क्या होगा, एनआईएन कंट्रोल बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। और हवा भर रहा है तो ये बढ़ के ऊपर आएगा, तो अब क्या होगा, अब टोटली ऊपर आ गया, तो तीन नीचे होगा, एक ऊपर हो गया, वो एनआईएन नीचे कैटायन ऊपर, इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल का सिचुएशन होगा। तो अभी भी ऊपर में तो अभी भी है ना बलून बहुत सारे एनआईएन वाले, और बड़ा करोगे तो और बलून बड़ा होगा, इसका मतलब अब पहले चार को, तीन को टच कर रहा था, अब ऊपर भी दो को टच करेगा, तो इसका मतलब टोटल छह कॉन्टैक्ट हो, अब ऑक्टेट हो, इस तरीके से बढ़ाते जाओगे वो बढ़ते जाएगा और ज्यादा से ज्यादा बलून को टच करते जाएगा। तो इस यही सिचुएशन आपको यहाँ पे भी समझनी है, समझ में एक बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 0.155 से बड़ा हो जाएगा तो एनआईएन कॉन्टैक्ट टोटली लॉस्ट, ओनली कैटायन एनआईएन विल बी ओनली there, so highly stable है ये जो है वो highly stable है, ठीक है। अब कैसे ये भी मैं आपको समझा देता हूं, जैसे इसके तीन का सेंटर A, B, C और इसका सेंटर है E, ठीक है। मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, ठीक है। बी से मैंने यहां क्या किया, क्योंकि देखो इसका साइड और इसका लेंथ सबका क्या है, ए लेंथ माना मैंने, ठीक है। ये भी ए लेंथ, ये भी ए लेंथ और ये भी, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ये 30 डिग्री। यहाँ पे एक पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी, ठीक है। तो अगर मैं बी डी की बात करूं, ठीक है, बी डी लेंथ अगर वही मेरा होगा, BD by A मतलब किसके बराबर हो जाएगा, cos 30 के बराबर, cos 30 ले रहा हूं तो BD by A हो जाएगा मेरा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरा √3/2 A इधर चला गया, is equal to किसके बराबर हो जाएगा, BD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं सेंट्रोइड ड्रॉ करूं E, तो इसको अगेन 2:1 के रेशियो में बांट रहे हैं, क्योंकि मुझे लेंथ कौन सा चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए, ठीक है। कैटायन एनायन का जो कॉन्टेक्ट होगा वो रेशियो वो एक्चुअली में एडिशन कितना होगा, तो बीडी का जो बीडी होगा ये आर प्लस होगा या आर माइनस होगा, तो बीडी बीई को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीई को मैं लिख सकता हूँ 2/3 ऑफ बीडी, 2/3 ऑफ बीडी मतलब 2/3 बीडी कितना हो जाएगा √3/2 ए, 2 कैंसिल ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए बाय √3 और एक्चुअल में बीई का मतलब क्या होता है आर प्लस प्लस आर माइनस, इसका मतलब ये होगा कि a जो बराबर होगा वो होगा √3 टाइम्स ऑफ r प्लस प्लस r माइनस, ये जो वैलिड होगा कब, जब 0.155 से बड़ा हो, 0.25 से छोटा हो, तो ये एक तरीके की फॉर्मूला ही है,
याद रखना, अगर ट्राइंगुलर वर्ड से बड़ा हो उससे छोटा हो तो जो एज लेंथ होता है वो आर प्लस और आर माइनस के सम के रूट थ्री टाइम्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था। ठीक है, अगर फोर्थ सिचुएशन हुआ आर प्लस बाय आर माइनस जो 0.225 है, तो ऑब्वियस बात है ये सिचुएशन आइडियली टेट्राहेड्रल के लिए होगा। ठीक है, आइडियल फॉर टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल के लिए आइडियल होगा, इसका मतलब क्या होगा, कैटायन एनायन और एनायन एनायन दोनों क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे यहाँ पे। इसका मतलब कैटायन एनायन का भी कांटेक्ट होगा, एनायन एनायन का भी कांटेक्ट होगा। अब समझो बात को, अब टेट्राहेड्रल, अब यहाँ पे एनायन, क्योंकि हम बात कर रहे सीसीपी की। ठीक है, ठीक है, सीसीपी में कैटायन एनायन एक दूसरे को कहाँ टच करेंगे, अलोंग द कॉर्नर और बॉडी डायगोनल में, और दो एनायन एक दूसरे को कहां टच करेंगे, दो एनायन अलोंग द फेस डायगोनल टच कर रहे हैं, बराबर। क्योंकि क्योंकि बात तो सीसीपी की कर रहे हैं, और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहां फॉर्म होता है, सीसीपी में। तो इसका मतलब जो होगा मेरा, इसका मतलब ये जो होगा, इसका मतलब जो होगा आइडियली के लिए तो हम देखो यहाँ पे भी क्या कर रहे थे, आइडियली के लिए हम क्या कर रहे थे, आइडियली में कैटायन और एनायन दोनों कंटेक्ट, हालांकि ये भी क्या रहेगा, अनस्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा। कैसा रहेगा, अनस्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि वो जो कैटायन एनायन का जो ये होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उधर दो एनायन एक दूसरे को कहां टच करेंगे, दो एनायन अलोंग द फेस डायगोनल टच करेंगे। तो मैं कह सकता हूं दो एनायन अलोंग द फेस डायगोनल का मतलब ये हो, 4R माइनस बराबर क्या हो जाएगा, √2a। क्योंकि देखो ये आइडियली है, आइडियली के सिचुएशन में यही हो सकता है, तो a बराबर क्या हो सकता है, 2√2r माइनस। ये आपको अगर शायद पॉइंट समझ में आ रहा था, वैलेंस कोट है, क्योंकि देखो यहां पे कैटायन एनायन का कांटेक्ट हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आइडियल सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन में दोनों होगा। ये सही बात है कि दोनों होगा, कैटायन एनायन पे कांटेक्ट होगा, एनायन एनायन पे कांटेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपने बोला आर प्लस क्यों नहीं ले सकते, इस सिचुएशन में क्या होता है, आइडियली के केस में, टेट्राहेड्रल के केस में हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और हमारे लिए मेन क्या हो जाता है, ये वाला हमारे लिए मेन कॉन्टेक्ट हो जाता है। आपको याद होगा फेस सेंटर में एटम एक दूसरे को कहाँ टच करते हैं, इस सिचुएशन में आप ऐसा बोल सकते हो कि ये नहीं होगा, सिर्फ एनायन एनायन का कांटेक्ट होगा। हालांकि मैं समझा नहीं पा रहा हूं, सॉरी माय मिस्टेक, कैटायन एनायन का कांटेक्ट होगा इस केस में, कैटायन एनायन का कांटेक्ट होगा, लेकिन दो एटम एक दूसरे को कहां टच करेंगे, दो एटम अलोंग द फेस डायगोनल ही टच करेंगे, इसलिए हमारे लिए मेन जो सिचुएशन होता है ये बराबर 2√2r माइनस होता है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिफ्थ सिचुएशन की, फिफ्थ सिचुएशन आपके लिए क्या है कि मान लो 0.225 से 0.225 से बड़ा हो जाए r प्लस बाय r माइनस, लेकिन 0.414 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ठीक है, तो याद रखना ये दो सिचुएशन, एक फोर्थ वाला और सिक्स्थ वाला, ये आप समझना, इसमें कैटायन एनायन का कांटेक्ट वाला हम कभी कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक, कंसीडर, हालांकि कंसीडर करने का कहने का मतलब ये होगा कि जब वाइल कैलकुलेशन, वाइल कैलकुलेटिंग एज लेंथ, कुछ बातें अभी थोड़ी के लिए याद रखो, जब आप ऑफलाइन आओगे तो मैं आपको ये इमेजिन कराऊंगा, हो सकता है अभी मैं आपको इमेजिन नहीं करवा पा रहा हूं, बट फिलहाल ये याद रखना कि जब एग्जैक्ट बराबर होता है ना, जब एग्जैक्ट बराबर हम कंसीडर करते हैं कैटायन एनायन और एनायन एनायन दोनों को कांटेक्ट कंसीडर करते हैं, बट वाइल कैलकुलेटिंग एज लेंथ हम सिर्फ कंसीडर करते हैं आर माइनस, क्योंकि दो एटम एक दूसरे को अलोंग द फेस डायगोनल ही कांटेक्ट करता है, फेस डायगोनल ही कनेक्ट कर पाता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन के लिए आप याद रखें, पॉसिबिलिटी 4 और पॉसिबिलिटी 6। ठीक है जी, फिफ्थ सिचुएशन में क्या होगा, सिर्फ कैटायन एनायन कांटेक्ट होगा और प्रेजेंट कैटायन, मतलब ओनली कैटायन एनायन कांटेक्ट रहेगा, एनायन एनायन कांटेक्ट नहीं रहेगा। कैटायन एनायन एक दूसरे को कितने डिस्टेंस में कांटेक्ट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना, वहां से कॉर्नर से और टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस होता है √3/4 डिस्टेंस से, मतलब एक दूसरे को ये कहां टच करेंगे, √3/4 a डिस्टेंस में, और r प्लस r माइनस, इसका मतलब ये a बराबर हो जाएगा 4/3 r प्लस r माइनस। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, टेट्राहेड्रल r प्लस की जगह, एग्जांपल देखो मैंने क्या दिया था, टेट्राहेड्रल वॉइड में मैंने एग्जांपल दिया था ZnCF2, तो यहां पे हो सकता है Zn+2 और यहां पे क्या हो सकता है F-। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है S2-, यहाँ पे CA+2F हो सकता है, यहाँ पे F- हो सकता है, तो
तो बस उसकी जगह एलिमेंट आ जाएंगे, कैटायन और रेडियस की जगह क्या आ जाएंगे, एलिमेंट। क्योंकि टेट्राहेड्रल वर्ल्ड के लिए मैंने तीन स्ट्रक्चर दिए थे, ZnS, CF2, NH2O। बस यहाँ पे Na आ जाएगा, यहाँ पे O आ जाएगा, यहाँ पे Ca आ जाएगा, F आ जाएगा, ZnO आ जाएगा, S आ जाएगा। बस इतना ही पॉसिबिलिटी है, आई बात समझ में, ठीक है। और अगर मैं सिक्स सिचुएशन की बात करूं, सिक्स और फोर्थ रिलेम्बर्स एक दूसरे के वो है क्या बोलते हैं, आइडियल ही है। 0.414 किसके लिए आइडियल है, आइडियल फॉर ऑक्टाहेड्रल, आइडियल फॉर ऑक्टाहेड्रल, आइडियल फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो कहने का मतलब होगा कि कैटायन एनायन का भी होगा, एनायन एनायन का, हालांकि ये भी अनस्टेबल होगा। और अगर मैंने अगेन मैंने आपको बोला कि सिचुएशन में हम जब एज ए कैलकुलेट करेंगे तो हम कैटायन एनायन को नहीं कंसीडर करेंगे, तो इस केस में अगेन सीसीपी है, तो दो एनायन एक दूसरे को अलोंग द फर्स्ट डायगोनल ही कांटेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, √2a बराबर हो जाएगा 4r माइनस, तो a बराबर अगेन क्या हो जाएगा, 2√2r माइनस, ठीक है। तो अगेन यही बात होगा। हाँ, अगर 7 पॉसिबिलिटी की बात करूं तो भैया 7 पॉसिबिलिटी में क्या होगा, 0.414 से बड़ा हो जाए r प्लस बाय r माइनस और 0.732 से छोटा हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, अब समझे बात को। इस केस में यह होगा कि ऑलमोस्ट अब क्या होगा, ये सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2r प्लस, एक हो जाएगा r माइनस और ये क्या हो जाएगा, r माइनस, ठीक है। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ रहता, ऑक्टाहेड्रल वर्ड रहता एज लेंथ पे, ठीक है। तो एज लेंथ पे एक उधर होगा एक इधर होगा, तो r माइनस और 2r प्लस, इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू r प्लस और r माइनस। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड के लिए एन ए प्लस, तो याद रखना एज लेंथ ऑफ एन ए प्लस क्या होगा, r of n plus plus r of i cl minus into twice is equal to edge length of n cl compound का edge length होगा, या उसके unit cell का edge length होगा। आई बात समझ में, चलो वेरी गुड है। अगर आपको समझ में आ गया तो लास्ट दो पॉसिबिलिटी हमारी बची हुई है, ठीक है। अगर मेरा 8 वाला बोलूं कि अगर r plus by r minus is equal to 0.732 है, तो ये आइडियल है किसके लिए, क्यूबिक वॉइड के लिए, आइडियल है किसके लिए, क्यूबिक वॉइड के लिए। इसका मतलब कैटायन एनायन का भी कांटेक्ट होगा, एनायन एनायन का भी कांटेक्ट होगा, क्यूबिक वॉइड बीच में रहता है और सबको बॉडी डायगोनली अलोंग टच करता है, इस है ना, सॉरी क्यूबिक वॉइड बीच में है, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, क्यूबिक वॉइड बीच में होता है, चार ऊपर चार नीचे, मतलब दो एनायन अलोंग द एज लेंथ ही टच करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, 2r माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने अगेन बोला इन इन केस में किसमें 4 नंबर 6 नंबर और 8 नंबर वहां पे हम एज लेंथ के सम निकालते समय कैटायन एनायन का कंसीडर नहीं करते, ठीक है। 9th नंबर क्या हो जाएगा, 9th नंबर हो जाएगा अगर 0.732 से बड़ा रहेगा लेकिन 1 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैटायन एनायन का कांटेक्ट रहेगा और एक दूसरे को कहां टच करेंगे, एक दूसरे को अलोंग द बॉडी डायगोनल टच करेंगे, ठीक है। अलोंग द बॉडी डायगोनल के लिए मतलब क्या हो जाएगा, along body diagonal cation present at body center and will touch anions at the corner, मतलब √3a बराबर क्या हो जाएगा, √3a बराबर हो जाएगा twice of r plus और twice of r minus हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा r plus r minus is equal to क्या हो जाएगा, √3a, तो a बराबर हो जाएगा 2/√3 r plus r minus, ठीक है। प्लीज इन फॉर्मूले को याद रखिएगा ताकि आगे हमें काम आ जाए। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच, बाकी चीज नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।